जी को कहा कि सुबह होते ही कथा बाद में होगी, पहले इनकी नई ऑटो आएगी। अभी अभी बड़ी अपडेट निकल का है कि आप बात है बागेश्वर धाम सरकार की, ऐसे गुरुजी तो सबको मिले तो धन्यवाद है उनका, ऐसे गुरुजी का। जी हाँ, गरीबों के मसीहा। अभी बागेश्वर धाम सरकार ने ये प्रचार के नहीं विचार के लिए दिया, एक गरीब के ऑटो में बागेश्वर धाम सरकार, हमारे बैकग्राउंड के पीछे देख रहे होंगे, गुरुदेव बैठ कर जा रहे थे तो उन्होंने चाय पीने के लिए रात्रि में, जी हाँ, मंदिर के दर्शन भी करे और चाय भी पी, परंतु बागेश्वर धाम सरकार का विचार आया कि क्यों नहीं इस गरीब का ऑटो धुआं दे रहा है, 10 किलोमीटर चल के यह, इसको नया ऑटो दिया जाए। बागेश्वर धाम सरकार ने जो कथा करा रहे थे गोविंद जी से, उनसे कहा और उनसे कहा कि हमें एक ऑटो दे और उसमें से हमारी चौथ वो काट लेना पैसे कथा में से, तो परंतु उन्होंने कथा में से पैसे नहीं काट रहे, जो कथा करवा रहा है वो ऑटो भी दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के कहने पर गुरु जी के शिष्य जो हैं उन्हें सुबह को उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा कथा बाद में होगी, पहले इनको भैया को ऑटो दो। जी हाँ, हमारे बैकग्राउंड के पीछे देख रहा हूँ, ये अंकल को एक ऑटो दे दिया है नया, कितनी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, ऐसे गुरु जी सबको मिले। अगर आप भी अपने गुरु जी को सपोर्ट करना चाहते हो, प्यार देना चाहते हो, तो इस वीडियो शेयर करो और लाइक जरूर करो और कमेंट बॉक्स से लिखो जय श्री राम, मेरी भी मनोकामना पूरी हो। तो आप ऐसे लिखोगे तो आपकी भी मनोकामनाएं पूरी होगी, जरूर होगी, अवश्य पूरी होगी। बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर सभी की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। देखो, इस गरीब की तो ऑटो खराब थी, ऑटो में बैठी हुई गुरुदेव बातचीत भी करी, साथ में बैठ गई, मंच पे भी बुलाया और नया ऑटो दे डाला, कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है। इतनी बड़ी मनोकामना पूरी आज संसार में संभव नहीं है। मित्रों, कोशिश करो, प्रयास करो, परमपिता परमात्मा पे आशा रखो, विश्वास रखो, तब आपका पूरा कल्याण होगा और आप जो मार्ग पर चल रहे हैं उस पर सफलता प्राप्त होगी और आप जरूर अपनी ऊंचाइयों को छोगे और एक न एक आप दिन आगा आपका भी जो दुनिया आपको देखेगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।